हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सभी कोई अच्छे होंगे। और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने ही चैनल ससी फैमिली ब्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ ना कुछ दो ऐसे DIY लेकर के आई हूं जो बिल्कुल नो कॉस्ट, मतलब एक रुपए भी आपको खर्च नहीं करना है। घर में पड़े हुए जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसी से हम तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मेरा ये सेल्फ कितना बिखरा हुआ पड़ा है, बस इसी के लिए मुझे ऑर्गेनाइज़र बनाना था एक, क्योंकि जब मैं इसे साफ़ करती हूँ ना डेली, मुझे कपड़ा इसमें मारना होता है तो सभी सामान मुझे नीचे उतारना पड़ता है, फिर इसको साफ़ करो, फिर रखो, ऑर्गेनाइज़ करो। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसके लिए यहाँ के लिए ना ऑर्गेनाइजर एक बना करके रेडी ही कर लेती हूँ, मेरा पैसा भी खर्च ना हो। तो ऐसे ही मैंने मतलब रेडी किया बना करके, तो आपके साथ मैंने सोचा शेयर भी कर लेती हूँ। तो और ये देखो मैंने ना एक अगरबत्ती का जो पैकेट होता है ना, तो मेरी अगरबत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि बस एक अच्छी सी, मतलब इसकी लंबाई भी अच्छी सी है और इसमें अच्छे से मेरे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे जितने मेरे तेल के बॉटल हैं और ये सब है ना, तो सेल्फ में। तो मैंने इसको ऊपर का जो पार्ट है ना उसको मैंने कट कर लिया, और कट करने के बाद जो वेस होगा ना, वेस में हम थोड़ा सा जैसे हम भारी चीज़ें रखेंगे, तो ये जो मैंने कट किया है ना इसको हम वेस में फेविकोल लगा कर के इसको अच्छे से चिपका देंगे, ताकि हमारा बेस थोड़ा सा मजबूत रहे। और मैं मानती हूँ ये चीज़ें ना बहुत दिनों तक नहीं चलेंगी, लेकिन कोई बात नहीं ना, हम लोग जो ऑर्डर करके भी मंगाते हैं ना फ्लिपकार्ट अमेज़न वगैरह से, वो भी तो बहुत टाइम तक नहीं चलती, ख़राब तो होती है ना। तो इससे अच्छा ये है जो हमारे घर में मतलब वेस्ट सामान पड़ा हुआ है, उसे हम अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र रेडी करें और हम बस उसको यूज़ करें महीने दो महीने, और फिर जब ख़राब हो जाएगा तो हम दूसरा बना सकते हैं। तो बस बेस के लिए मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है। और इसको गिफ्ट पेपर अगर आपके पास है तो आप अच्छे से उसको रैप कर लीजिए, अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बस बना करके और अपने सेल्फ में इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास रखा हुआ था रैप पेपर, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है ताकि देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आप यूज ना करें। तो बस ये बना करके मैं रेडी करूँगी, और आप लोग देखते रहिए, आप लोग भी बना करके ज़रूर ट्राई करिए। घर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ आप लोग DIY करते रहिए, तो घर की खूबसूरती भी बनी रहती है और हमारा सामान भी ऑर्गेनाइज रहता है। और अब मेरे पास ना एक मोबाइल का बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो जो मेरे छोटी छोटी मेरी चीज़ें होती हैं, जैसे सिंदूर की डिब्बी है, कुछ स्प्रे बॉटल हैं, थोड़ा छोटी छोटी लिपस्टिक वगैरह होती है, उसके लिए स्टैंड बना लेंगे। तो क्या है, छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत जल्दी फैल जाती हैं, और इनके लिए मैंने स्टैंड बनाने के लिए आइसक्रीम स्टिक मैंने यूज़ की है। तो ये सिंगल थोड़ा सा कमज़ोर थी, तो मैंने इनको डबल करके फेविकोल से चिपका लिया था, और फिर इनको अच्छे से मैं स्टिक कर दूंगी, चिपका दूंगी, और बहुत अच्छे से बहुत अच्छा ही ऑर्गेनाइज़र बनकर के रेडी हो। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बॉक्स वगैरह तो हम लोग ऐसे फेंक ही देते हैं ना कचरे में, तो बाहर गंदगी भी होती है। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग घर में यूज़ कर लें, तो बाहर भी सफाई बनी रहेगी और घर में भी आपका सामान ऑर्गेनाइज रहेगा पूरी तरह से। तो ये जो साइड साइड में स्टिक मैंने लगाई थी ना, तो इनके साइड में भी मैंने गम लगाया था, ताकि अच्छे से बेस ना इसका मजबूत हो जाए। और आप साइड में भी लगा देंगे तो ये बिल्कुल हिला डुला नहीं है, बस 10 मिनट का आप इसको रेस्ट दें ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। और अच्छे से चिपकने में ये देखिए बिल्कुल बनकर के रेडी है, ये देखिए कितना खूबसूरत से स्टैंड बनकर के रेडी हुआ है। अगर आप लोग को भी अच्छा लगा है ना, तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए, बनाइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके साथ लाती रहूँगी। और आप लोग भी ट्राई करिए, सामान ऑर्गेनाइज रहता है, पुरानी चीज़ों से बना करके घर में चीज़ों को ट्राई करिए। थैंक यू सो मच।